अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 जो है वो भी स्पेशली चैप्टर 6 और 7, इनकी एग्जांपल थोड़ी मुश्किल होती थी, वो मैंने आप लोगों को करवा दी थी। पास पेपर्स हर चीज़ हमने कर ली है। इसके बाद जो चैप्टर्स हैं, एक तो उनके सवाल बुक से बाहर नहीं आए हुए, एग्जाम्पल्स हैं 13.2 के अलावा, 13.2 में एक दो सवाल हैं जो बुक में नहीं है, बाकी सबके बुक के क्वेश्चंस हैं। दूसरा, इनकी एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं। चैप्टर 8 के अलावा किसी और की एग्जाम्पल का कोई लेवल ही नहीं है कि मैं उनको करवाऊँ, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स हैं। चैप्टर 8 की कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को करवा दूंगा, उनमें से कुछ पेपर में भी आ चुकी हैं और कुछ जो नहीं आई वो भी मैं समझा दूंगा। करवाना शायद सब ना हो क्योंकि ईजी हैं, काइंड ऑफ इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन देख लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। यार चैप्टर 8 का जो पहला क्वेश्चन है जो हम पास पेपर का करेंगे वो आया था 2011 में। 2011 में आपको ये मिल जाएगा। मैं ज़रा आपको नंबर बता देता हूँ इस सवाल का। 2011 में क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा होगा, 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 जो है वो आपको मिल जाएगा। और ये बुक की एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल का मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है और ये है पेज नंबर 260 के ऊपर, ये आपको मिल जाएगी। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं इसके अंदर आपको नज़र आएगा, वही बातें जो आप 8.1 में कर चुके हो वही है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तो पेज नंबर 260 पे आपको मिलेगा। इसमें बेसिकली अगर आप इससे पहले आ जाओ ना, मतलब चैप्टर 8 में 8.1 की एग्जाम्पल्स देखो, तो शुरू में आपको बहुत ईजी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद भी जो एग्जाम्पल है वो भी काइंड ऑफ ईजी है। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो तो नहायत ही ईजी है। पहले अगर आप 8.1 समझ के कर लो ना तो एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इसमें कोई मसला ही नहीं होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 में मसला नहीं होगा, लेकिन पेपर में आ चुकी है, दैट्स व्हाई मैंने कहा चलो आप लोगों को करवा देता हूँ। ये पूरा फॉर्मूला आपको मैंने बताया है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, कि अगर आपके पास तीन टाइप के होते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, उसका अलग फॉर्मूला होता है। फिर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इनको ऐड करो, इसका एक फॉर्मूला होता है जो एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है, बस आपको ये प्रूफ करना है। इसी तरह क्यूब का होता है, वो एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो ये तीन टाइप के होते हैं। अब उसमें से जो दूसरी टाइप होती है जिसमें स्क्वायर को आप ऐड कर रहे हो वो आपको प्रूफ करना है। अब इसके स्टेप मैंने आप लोगों को बकायदा बताए हुए थे 8.1, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताई थी, एक सवाल डिटेल से समझाया था कि इस तरीके से ये स्टेप हम हर चीज़ कर रहे हैं, वो मैं दोबारा नहीं जा रहा। जो मेन पॉइंट है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप मैं प्रॉपर नहीं कर रहा, ठीक है। बुक में तो खैर प्रॉपर स्टेप लिखे हुए हैं, बाकी 8.1 में ही मैंने प्रॉपर आप लोगों को करवाया हुआ है। अभी टाइम की कमी की वजह से मैं जो असल मसला होगा जहाँ पर वो मैं पार्ट पर आ रहा हूँ। शुरू में थोड़ा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि इन सवालों का बैकग्राउंड क्या होता है। कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होती है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू n का स्क्वायर, और ये बराबर होता है n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये इसके बराबर है। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। तो ज़रा देखते हैं किस तरीके से आप प्रूफ करोगे इस फॉर्मूले को। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होता है n इक्वल टू 1 पे, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई फॉर n इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप जनरल टर्म में 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर, और इधर भी आप 1 पुट कर दो, 1, फिर अंदर 1 प्लस 1, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 ही होगा, डिवाइडेड बाय 6, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, यहाँ पे भी 1, इसका मतलब n इक्वल टू 1 पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। फिर आप लिखते हो कि एज्यूम दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k पे आपकी स्टेटमेंट आप एज्यूम करते हो कि ये ट्रू है, तो फिर इसको किस तरह लिखोगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू n की जगह आप k पुट कर देते हो, यहाँ पे भी k आ जाता है। ये भी स्टेप आपको बुक में मिल जाएगा, काफ़ी इजी स्टेप है। इसके बाद जो मैं स्टेप अपने स्टूडेंट को करवाता हूँ वो आपको इस सवाल में नहीं मिलेगा, तो वो मैं अलग से करवा रहा हूँ। हम इसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि n इक्वल टू k पे आपके स्टेटमेंट ठीक है, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 पे भी ठीक है। अगर ये n इक्वल टू k प्लस 1 पे भी ठीक हो जाए तो उसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। तो n इक्वल टू आप ही करो, मतलब आप प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ स्टेटमेंट जो है ट्रू।
ट्रू है फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, दैट इज मतलब आपको. अच्छा यार पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा 8.1 देख लेना, वहां पे मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है. हमें प्रूफ करना है कि n इक्वल टू के प्लस वन पे भी ठीक है. मतलब क्या है इसका, दैट इज वो मैं लिखवाने लगा हूं कि देखो ये k टर्म है, इसके बाद टर्म जो होगी वो क्या होगी, k प्लस वन टर्म होगी. तो जरा वो लिखते हैं, ये k वाली टर्म है, इसके बाद टर्म जो होगी उसमें आप यहां पे k की जगह k प्लस वन पुट कर दो, इसके बाद जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, k प्लस वन होल स्क्वायर. इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे जहां जहां आपको k नजर आ रहा है वहां पे k प्लस वन पुट कर दो, तो ये k प्लस वन हो जाएगा. मैं नीचे लिख रहा हूं, जगह कम है थोड़ी. अच्छा तो k प्लस वन, अच्छा इधर पुट करो k प्लस वन की जगह, और इसी तरह ये जो 2k प्लस वन है ना इधर भी k की जगह आप पुट कर दो. ठीक है, तो जहां जहां k आ रहा था वहां पे आपने k प्लस वन पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो ये जो मतलब होता है ना कि n इक्वल टू k प्लस वन पे भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, इसको प्रूफ करो. तो इसका मतलब ये होता है कि k के बाद वाली टर्म आप यहां पे लिखो और राइट हैंड साइड पे भी पूरा आप k की जगह k प्लस वन पुट कर दो. अब आपको ये चीज प्रूफ करने की, ये पूरी चीज बराबर है इसके. तो मैंने आप लोगों को 8.1 में बताया था कि देखो ये पूरी चीज तो इसके बराबर है, ये तो हमने एज्यूम कर ली कि ये इसके बराबर है. इसमें और इसमें फर्क क्या है, फर्क ये कि यहां पे k प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा है और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे k प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं आ रहा. तो आप क्या करो, ये जो वन है ना इसको वन कह दो आप अपनी आसानी के लिए. क्या भी जो इक्वेशन वन नजर आ रही है इसमें दोनों तरफ आप क्या ऐड करवा दो, k प्लस वन का होल स्क्वायर. तो आप लिख देना एडिंग बोथ साइड क्या चीज, k प्लस वन का होल स्क्वायर. ठीक है, इक्वेशन वन जो आपने बनाई हुई थी या स्टेटमेंट नंबर वन बोल दो इसको, उसमें आप दोनों तरफ k प्लस वन का होल स्क्वायर ऐड कर दो. ये स्टेप के मतलब क्यों हम इस तरह कर रहे हैं सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो बेहतर है आप लोग वहां पे देख लेना, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा. तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे k प्लस वन का होल स्क्वायर ऐड किया, फिर इसकी जो राइट हैंड साइड है उस पर भी आप ऐड कर दो. अभी राइट हैंड साइड है इसकी k, k प्लस वन, टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस k प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपने ऐड कर दिया. अब बस आपकी कोशिश ये होती है, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आपने सेम कर ली, अब किसी तरह इस पूरी राइट हैंड साइड को भी इसके बराबर प्रूफ अगर आप कर दोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वाली पूरी चीज ठीक है, और अगर ये पूरी ठीक है तो आपका सवाल ठीक हो जाएगा. अब कैसे प्रूफ करोगे, दिखने में लग रहा है k प्लस वन कॉमन आ रहा है तो आप k प्लस वन कॉमन ले लो. तो होगा ये कि पहली टर्म से बचेगा k, 2k प्लस वन डिवाइडेड बाय 6, और दूसरी टर्म में से k प्लस वन बच जाएगा. तो k प्लस वन स्क्वायर था ना, तो एक पावर आपने कॉमन ले ली, तो ये वाला सिचुएशन हो जाएगी. उसके बाद आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 6 को मल्टीप्लाई करवाओ इन दोनों टर्म से और ऐड करवा दो इसके अंदर. तो 6 को मल्टीप्लाई करवाओ k प्लस वन से. ठीक है, जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो कि इसको मल्टीप्लाई करो इससे और ऐड कर दो इसके अंदर, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी. उसके बाद आपने मैच करना है ऊपर वाली सिचुएशन से, उससे मैच करने से पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. मजीद सिंप्लीफाई किस तरह करोगे, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6. बुक में तो इतना बड़ा नहीं लिखा हुआ था इन्होंने. अच्छा बुक में एक ऑलरेडी इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं उसको. 12 हम तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. अच्छा जी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे थोड़ा. तो आप इसको k प्लस 6k को अलग से ना लिखो, 7k लिख दो. k प्लस 6k क्या होता है, 7k होता है. अब यहाँ पे आप मिडिल टर्म ब्रेक करो, 2 मल्टीप्लाई 6 12 होता है, 12 के दो फैक्टर कौन से होंगे, 4 थ्रीज़ा बना दो. तो k प्लस 1 बाहर है, अंदर आप फैक्टर बनाओ 4k 3k प्लस 6 डिवाइडेड बाय नीचे 6 आ जाएगा. आपको स्टेप हम स्किप कर देंगे यहाँ से,
बस एक स्टेप हम कर लेते हैं, टू के आप पहले टर्म से कॉमन लो, के प्लस टू बच जाएगा, दूसरी टर्म दोनों में से आप थ्री कॉमन लो, के प्लस टू बच जाएगा। अब जरा हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि इतने बच्चों वाले स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक फैक्टर आएगा के प्लस टू और एक फैक्टर आ जाएगा टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स। मैंने अगेन पहले क्या बात बोली थी कि आपको इससे मैच करना है, अब इससे मैच करने की कोशिश करो। उसके देखो पहली टर्म में तो के प्लस वन आ रहा है, आपकी भी पहली टर्म में के प्लस वन है, पहला फैक्टर के प्लस वन है, ठीक है। दूसरा फैक्टर था के प्लस वन और प्लस वन, तो ये आप लिख सकते हो बिल्कुल, इस के प्लस टू को आप ऐसे लिख सकते हो ना, के प्लस वन प्लस वन, एक ही बात है। फिर वहां पे था टू के प्लस वन, फिर आगे प्लस वन था, सेम इस तरह भी कर सकते हो। इस टू के प्लस थ्री को लिखने का तरीका ये है, आप लिखो टू के प्लस वन, ये क्या बना टू के और टू वन जा टू, तो ये भी बना टू के प्लस टू, टू के प्लस थ्री लिखा हुआ है, तो आप एक वन अपनी तरफ से ऐड कर दो। तो अब अगर आप इस इन दोनों टर्म को सॉल्व करोगे तो आपके पास यही चीज आ रही हो जाएगी, टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स, दैट्स इट। आपने पूरी वो राइट हैंड साइड प्रूव कर दी है, उसके नीचे वही जो रिमार्क्स हमने लिखे थे कि यार कि आपके स्टेटमेंट जो है वो एन इक्वल टू वन पे भी ट्रू है, एन इक्वल टू के प्लस वन पे भी ट्रू है, इसका मतलब आपकी जो स्टेटमेंट प्रोपोजिशन जो है ये एन की हर नेचुरल वैल्यू पे ट्रू है। तो इसमें से कितनी चीज़ें मैंने डिटेल में नहीं समझाई, मैंने पहली बात बोली कि 8.1 आप देख लो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, एक एक स्टेप मैंने रीजन के साथ बताया था कि क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं, क्या सीन है इसका। एग्जाम्पल फोर एग्जाम्पल फाइव निहायत ही ईजी, आप 8.1 कर लो आपको समझ आ जाएगी। 8.2 स्किप हो गई है, कैंसिल हो गई है, 8.3 पे आ जाओ। 8.3 की एग्जाम्पल बहुत ही निहायत ही ईजी हैं क्योंकि उन्होंने बस फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताए हैं। एग्जाम्पल थ्री एग्जाम्पल फोर फाइव ये सब बहुत ईजी हैं, स्टेप्स भी मैंशन किए हैं उन्होंने, तो इनको आप लोग ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल नंबर सिक्स भी ईजी है लेकिन वो पास पेपर में आ चुकी है, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो देखते हैं ये आया कब है, 2011 को तो बता दिया था, 2014 में आई एग्जाम्पल, उसका ज़रा हम नंबर देख लेते हैं। 2014 में क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर सेवन, 2014 क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर सेवन में आपको सवाल मिल जाएगा ये, ठीक है। और ये बुक की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सिक्स ऑन पेज नंबर 279, ठीक है। तो जरा सवाल देख लेते हैं, सवाल आपको गिवन है भाई के 2x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर की होल पावर 9। आपको करना क्या, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, वही बुक के क्वेश्चन है यार, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x जो टर्म है ना वो आपको करनी है, शायद पेन खत्म है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आप पहले डेटा बना लो, ठीक है। अगर आपको याद हो बाइनोमियल का जो फॉर्मूला था वो था a प्लस बी की पावर n, तो आप जरा देखो a यहाँ पे क्या है 2x है, b यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 3x स्क्वायर, n यहाँ पे क्या है, पावर क्या है यहाँ पे 9 के बराबर है। अच्छा जी, तो ज़रा फॉर्मूला लगा दो, इस पर आप जनरल टर्म निकालते हो, जनरल टर्म में फिर आप x के टर्म को इकट्ठा करोगे, उसकी पावर को जीरो के बराबर रखोगे। तो वी नो दैट जनरल टर्म फॉर्मूला, जनरल टर्म फॉर्मूला इज, जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल का, r प्लस वन एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। तो n यहां पे 9 है, आर आपको नहीं पता, ए यहाँ पे 2x है, एन माइनस आर, बी यहाँ पे है 1 अपॉन 3x स्क्वायर और उसकी पावर आर, ये आपके पास होगी भाई आर प्लस वन टर्म। अब आपने सबसे पहले x को इकट्ठा करना है, अब ज़रा उसकी मेहनत करते हैं हम। ये 9cr को अपनी जगह पर रहने दो, ये जो ये 2 जो है 2 के ऊपर भी पावर आ जाएगी 9 माइनस आर और x के ऊपर भी आ जाएगी, तो 2 को मैं अलग कर रहा हूँ क्योंकि वही बात है कि हमें x को इकट्ठा करना है, तो उस 2 के ऊपर भी पावर लगा दो, x के ऊपर भी ये पावर लगा दो। इसी तरह यहाँ पे जो पावर है ये r 3 के ऊपर भी आ जाएगी पावर 3 की पावर r, और जो x स्क्वायर है इसके ऊपर भी पावर r होगी, ये हो जाएगा 2r।
यहाँ का टू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप सबको अलग अलग कर लो, एन सी आर टू की पावर एन माइनस आर डिवाइडेड बाय इस थ्री की पावर आर को इधर ले आओ, अलग करना चाह रहे हैं हम। ये जो है एक्स की पावर एन माइनस आर, इसको इधर लिखो, और जो नीचे एक्स की पावर टू आर है इसको जब ऊपर लेकर आओगे तो उसकी पावर हो जाएगी माइनस टू आर। अब बाकी टर्म अलग हैं और एक्स की टर्म एक साथ हैं, स्टिल आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन ये होगा कि एन सी आर टू की पावर एन माइनस आर डिवाइडेड बाय थ्री की पावर आर। अच्छा बेसिस सेम है, पावर ऐड करो, माइनस आर माइनस टू आर ये हो जाएगा माइनस थ्री आर, उसके आप वन बोल दो। अब आपको ऐसी टर्म निकालनी है जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, मतलब उसके अंदर एक्स ना मौजूद हो। तो फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो पावर है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स मौजूद नहीं, मतलब एक्स की पावर जीरो। तो जो नाइन माइनस थ्री आर आ रही है ना पावर, इसको आप जीरो के बराबर रखो, नाइन बराबर हो जाएगा थ्री आर के, आर बराबर हो जाएगा थ्री के। अब इस आर की वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर वन में, तो आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आर यहाँ पे है थ्री, पुट कर दो थ्री प्लस वन, इसी तरह यहाँ पे भी एन सी थ्री हो जाएगा। अच्छा ऊपर है टू एन माइनस थ्री, जहाँ जहाँ आर था वहाँ पे आपने थ्री पुट कर दिया, और यहाँ पे जब आप थ्री पुट करोगे तो ये नाइन माइनस नाइन मतलब जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स को हटा देना आप, तो ये है नाइन सी थ्री। अच्छा इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, टू की पावर सिक्स थ्री की पावर क्यू। अब आप इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर में पुट करो और डायरेक्ट आंसर निकाल लो, खैर मेरे पास अभी नहीं है। तो बुक वालों ने नाइन सी थ्री नाइन एट सेवन, हाँ सही किया हुआ है, टू की पावर सिक्स टू थ्री। तो बुक में आंसर क्या आ रहा है इसका, वन सेवन नाइन टू अपॉन नाइन, वन सेवन नाइन टू अपॉन नाइन। तो ये वो टर्म है जिसमें एक्स मौजूद नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। 18 मिनट हो गए। अच्छा जी।